वेलकम बेटा, चैप्टर नंबर 6 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 9, लास्ट चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स बेटा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ विदाउट राइट्स, तो यहीं से हम समझ सकते हैं बेटा, दो तीन एग्जांपल्स दिए जहां राइट्स की हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मानते हैं। कुछ देशों में सभी राइट्स वहां के सिटीजन को अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा है राइट लाइफ विदाउट राइट्स। तो बिना राइट्स के बेटा लाइफ कैसे होगी। ठीक है, चलिए। इन दिस बुक वी हैव मेंशन राइट अगेन एंड अगेन। इफ यू रिमेम्बर वी हैव डिस्कस राइट इन ईच ऑफ द 5 प्रेसिडिंग चैप्टर। तो पांचों चैप्टर में राइट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, लास्ट चैप्टर उन्हीं राइट्स के बारे में बेटा। ठीक है, कैन यू फिल द ब्लैंक्स विद दिस कॉल द राइट डेफिनेशन इन द ईच चैप्टर। हर चैप्टर में कोई ना कोई राइट का एग्जाम्पल आया। चैप्टर 1, चिली अंडर पिनोसे एंड पोलैंड अंडर जरस्की वर नॉट डेमोक्रेटिक बिकॉज, क्योंकि यहाँ लोगों को वोटिंग राइट नहीं था, लोगों ने फ्रीडम राइट नहीं था, लिबर्टी नहीं थी, राइट। चैप्टर 2, ए कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूड, तो इसमें भी फंडामेंटल मूलभूत जो मेन राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनकी बात आती है। चैप्टर 3 की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बिलीव दैट फंडामेंटल राइट्स वर क्वाइट सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, इनको सबसे सेंटर या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना है, क्यों, इनके बिना बेटा हम कहते हैं एक नॉर्मल सिटीजन एक डिग्निटीफुल लाइफ नहीं जी सकता। ठीक है, इसके बाद हम बात करें चैप्टर 4, एवरी अडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू वोट एंड टू बी स्टैंड एज ए मेंबर, इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है और वोट भी दे सकता है, वो आएगा इसमें 4th का है। 5th चैप्टर में हम बात करते हैं, इफ ए लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट में SEBC के लोग गए थे, राइट। तो हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं राइट्स की बात आती है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ एग्जाम्पल दिया है, US का एक आइलैंड है गुटामो बे, और यहाँ डिटेल लिखिए, देखिए क्यूबा एक छोटा सा कंट्री, उसके नॉर्थ में 120 किलोमीटर पे है बेटा, और इसका अधिपत्य भी US के पास है। ठीक है, चलिए, इससे पहले एक छोटी सी यहाँ लेटर दिया है बेटा, डियर मिस्टर टोनी ब्लेयर, तो ये US के उस टाइम हम बात कर सकते हैं, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं PM थे, यस प्रेजिडेंट थे बेटा। फर्स्टली हाउ आर यू, आई सेंट ए लेटर 2 ईयर अगो, तो ये किसी बच्चे ने लिखा है बेटा, राइट, किसको, टोनी ब्लेयर को, और क्या कह रही है लेटर में देखिए। तो सबसे पहले पूछिए, आई सेंट ए लेटर टू यू, उसने 2 साल पहले इसको लेटर भेजा था, ठीक है, बट व्हाई डिडंट यू रिप्लाई, तो पहला क्वेश्चन उसका ये कि आपने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया। ओके, देन सेकेंड, आई वॉज वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बट यू डिड नॉट रिप्लाई, प्लीज कैन यू गिव मी आंसर टू माई क्वेश्चन, Why is my dad in prison? तो इसी prison की बात करें गुटामो बे की, ठीक है, वो अपने father के बारे में पूछी वो क्यों है, why is he far away that गुटामो बे, वो गुटामो बे इतनी दूर क्यों है उनसे। I miss my dad so much, I have not seen my dad for 3 years, तो 3 साल से वो जेल में है। I know my dad has not done anything because he is a good man, वो अपने पिता के बारे में कह रही है, right? I hear everybody speak about my dad in a nice way, your children spend Christmas with you. तो 3 साल वो कह रही है आपके बच्चों ने क्रिसमस आपके साथ मनाया, बट मी एंड माई ब्रदर एंड सिस्टर हैव स्पेंड ईद, इट मीन्स ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी से बेटा, ईद अलोन विदाउट अवर डैड, तो बिना अपने पिता के हमने 3 साल ईद मनाएंगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डैड, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आई होप यू विल आंसर मी दिस टाइम, वो कह रही किस बार शायद आंसर दो। बच्चे का नाम है बेटा अनास जमील एल बाना, 9 ईयर ओल्ड, और 2005 का एग्जाम्पल लेटर बेटा। आइए अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा। सो अबाउट 600 पीपल वर सीक्रेटली पिक्ड अप बाय द US फोर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पुट इन ए प्रिजन इन गुटामो बे एन एरिया नियर क्यूबा, क्यूबा के पास है बेटा ये, कंट्रोल बाय अमेरिकन नेवी, तो नेवी का हेडक्वार्टर भी है और नेवी इस पूरे आइलैंड को कंट्रोल करती है बेटा। ठीक है, सो अमेरिकन नेवी अनास फादर, एरिया नियर क्यूबा कंट्रोल अमेरिकन नेवी, अनास फादर जमील एल बना वाज अमंग देम, उन्हीं में से बेटा इन 600% जो अरेस्ट किए हैं इनमें से ही इसे के फादर हैं। द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दैट दे वर एनिमीज ऑफ US एंड लिंक टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001, तो ये बेटा ट्विन टावर जो है ट्रेड टावर से उस पर काफी बड़ा अटैक था, एरोप्लेन से अटैक हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग बेटा उन्होंने पूरे वर्ल्ड से लोगों को अरेस्ट किया था, जिनमें लगभग 600 लोग उन्होंने अरेस्ट किए थे। ठीक है, The American government said that they were enemy the US and link of the attack of New York on 11 September 2001. In most cases, the government of this country, their country, were not asked or even informed about their imprisonment. तो इनको किसको जेल में डाला है, कहाँ डाला है, इसका कोई किसी को नॉलेज नहीं दी गवर्नमेंट ने। Like other prisoners, Albana families got to know that he was in prison only through media.
तो उसकी फैमिली को भी ना मीडिया से ही पता चला कि उसके फादर गुटामो बे जेल में है। ठीक है, फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स, मीडिया और इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट अलाउड टू मीट देम। अब देखिए, ना तो मीडिया मिल सकता है उसे, ना यूएन, जो यूनाइटेड नेशन स्टेट की बात करें तो इसके ऊपर हम कहते हैं यूएन बेटा वर्ल्ड वाइड हम बात करते हैं ऐसे पार्लियामेंट बिहेव करती है, वो लोग बात है यूएन में यूएस का बड़ा होल्ड रहा है हमेशा, फिर भी हम कहते हैं यूएन का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव इस गुटामो बे में इन प्रिजन से नहीं मिल सकता। तो काफी स्ट्रिक्ट कंडीशन लॉस लगाए हैं। सो द यूएस आर्मी अरेस्टेड देम, इंट्रोगेट मीन्स उनको पूछताछ कर रही है, देन एम डिसाइड वेदर टू कीप देम देयर और नॉट, और यूएस जो आर्मी वही डिसाइड कर उनको रखा रहे हैं या नहीं रखना है। देर वॉज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट, इनका कोई ट्रायल, इनका कोई केस नहीं चला है बेटा, इसको देख लेना प्लीज, इन यूएस, नॉर कुड दीज प्रिजनर्स अप्रोच कोर्ट इन देयर ओन कंट्री, ना वो अपने कंट्री में किसी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते बेटा इनके अगेंस्ट जो आवाज उठाई वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और ये ब्रिटेन का बेटा एक एनजीओ है, और हम बात करते हैं बेटा ये पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों के राइट्स के बारे में, कहने के इसका जहां भी राइट वॉल्यूशन होता है उनका अपोज करता है। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स इन गुटामो बे एंड रिपोर्टेड दैट द प्रिजनर्स वर नॉट बीइंग टॉर्चर, उनको टॉर्चर किया था इन वे दैट वॉयलेटेड द यूएस लॉ। ओके, जो यूएस लॉ के ही अगेंस्ट है कि आप किसी भी प्रिजनर को इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, 1961 में ये फाउंडेड हुआ था, और इसके फाउंडर थे बेटा पीटर बेंसन, BENESON। ओके, और ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूके का, हेडक्वार्टर इसका लंदन में ही है, और इसके दो अचीवमेंट है बेटा, 1977 इसको नोबेल प्राइज मिला था पीस में, ओके 1977, और 1978 में यूएन का बेटा इसके ह्यूमन राइट अवार्ड मिला था। ठीक है, प्रेजेंट इसके सिक्योरिटी जनरल की बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल का, तो कुमी नायडू है बेटा, नायडू। ओके, और इसके बेटा 60s के आसपास इंडिया के भी सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, आगे क्या क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, वर बीइंग डिनाइड द ट्रीटमेंट दैट इवन प्रिजनर्स ऑफ वॉर मस्ट गेट एज पर इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो प्रिजनर्स को, दूसरे कंट्री के प्रिजनर्स को भी राइट मिलते वो राइट यहां नहीं मिले। मैनी प्रिजनर्स हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कंडीशन ऑफ गोइंग ऑन द हंगर, अब यहाँ बहुत लोगों ने बेटा स्ट्राइक भी की हंगर के लिए, ओके भूख हड़ताल वगैरह भी की, अगेन द कंडीशन बाय द गोइंग हंगर स्ट्राइक प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज इवन आफ्टर देयर वर ऑफिशियली डिक्लेयर नॉट गिल्टी, यानी 600 में से जो गिल्टी नहीं है, जो डिसाइड कर दिए दे आर नॉट इन दिस क्राइम, ओके इस बड़े षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, तब भी बेटा उनको फ्री नहीं किया गया। एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय यूएन सपोर्ट दिस फाइंडिंग, और यूएन सपोर्ट की एक इंक्वायरी थी बेटा, उसमें ये चीजें बाहर निकल गई इस प्रिजन के राइट, बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं थी बेटा, बट द यूएन सपोर्ट दिस फाइंड एंड द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड दैट प्रिजनर गुटामो बे शुड बी क्लोज डाउन, और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बेटा उस टाइम इसको क्लोज डाउन बंद करने के लिए कहा, बट द यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस साइड, तो यूएस गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया इस रिक्वेस्ट को मानने से, और गुटामो बे को लंबे टाइम उन्होंने रन किया, राइट नाउ इट इज क्लोज। ओके, तो यहां पे हम बात करते हैं एक बेटा वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में से एक यूएस है, तो वहां भी बहुत से ऐसे हैं जहां राइट का वॉयलेशन होता है। चलिए, क्यों यहां सबसे बड़ा मुद्दा बेटा देश का था, ठीक है, तो उन्होंने कोई राइट लोगों को नहीं दिए। अब चलते हैं बेटा एक सऊदी अरेबिया, ये भी काफी फेमस है राइट्स के वॉयलेशन के लिए, या इक्वल राइट्स अपने पॉपुलेशन में नहीं देता है। ठीक है, और यहां सबसे बड़ा बेटा सेक्सुअल डिफरेंस है मेल फीमेल में, उसी के बारे में डिबेट किया। देखिए, तो केस ऑफ गुटामो बे लुक लाइक एन एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शन फॉर इट इन्वॉल्व द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री डिनाइंग राइट टू सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। तो यहां देखिए, जो गुटामो बे हमने एग्जाम्पल पढ़ा है बेटा, यहां पर क्या था, वन कंट्री डिनाई द राइट टू सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश के लोगों को राइट नहीं दिए, जो अरेस्ट किया था अदर कंट्री से उनको राइट नहीं दे। बट अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे सऊदी अरेबिया, जो अपने देश के लोगों को राइट नहीं देता बेटा। देखिए, लेट देयरफॉर लुक एट द केस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द पोजीशन ऑफ द सिटीजन विद रिगार्ड टू देयर गवर्नमेंट कंसिडर लेस दिस फैक्ट, इन फैक्ट के बेस में देख सकते हैं अपने राइट, अपने सिटीजन को राइट नहीं दे रहा है। देखिए, फर्स्ट वन, द कंट्री इज रूल्ड बाई ए हेरिडिटरी किंग, रोल कौन करता है हेरिडिटरी किंग, जो भी हेरिडिटरी का मतलब है वांशिक बेटा, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा, तो हेरिडिटरी रूल रहे हैं, एंड पीपल हैव नो रोल इलेक्टिंग द चेंजिंग द रूलर्स, तो लोगों को कोई भी राइट नहीं है, कोई भी रोल नहीं उनका इनको इलेक्ट करने में, इनको सेलेक्ट करने में, इनको बदलने में। ठीक है, द किंग सेलेक्ट द लेजिस्लेटर, देखिए एक और चीज है,
जो यहाँ लेगेसी है, थोड़ी बहुत टेम्पररी गवर्नमेंट लेगेसी एग्जीक्यूटिव है, उनको भी बेटा कोई ना कहीं किंग सेलेक्ट करता है। ही अपॉइंट जजेस, जो तीसरा है जुडिशरी, उसको भी बेटा अपॉइंट यही करता है। कैन चेंज एनी देयर डिसीजन, इवन के डिसीजन को बदल सकता है। देखिए बड़ी अच्छी बात है, तीनों है लेगेसी एक्चुअली जुडिशरी है, बट तीनों को डिसाइड कौन करता है? किंग। और तीनों के डिसीजन भी बदल सकता है किंग बेटा। तो सारी सुप्रीम पावर उसी के पास है। सिटीजन कैनॉट फॉर्म पोलिटिकल पार्टीज, यहाँ कोई पोलिटिकल पार्टीज नहीं है बेटा। कैनॉट दिया नॉट मेक एनी पोलिटिकल पार्टी एंड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीडिया कैनॉट रिपोर्ट एनीथिंग, और मीडिया पे भी चेक है यहाँ, वो कोई भी रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक, तो अपने राजा के अगेंस्ट कोई भी वो ऐसी मीडिया न्यूज नहीं दिखा सकता। ठीक है, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक और है बेटा, यहाँ भी कोई फ्रीडम नहीं है रिलीजन की। एवरी सिटीजन बी रिक्वायर टू मुस्लिम, सभी मुस्लिम होने चाहिए, या जो नॉन मुस्लिम वहां वर्क करते हैं या कैसे भी हैं, the resident can follow their religion in private, वो private में यानी अपने घर के अंदर ही अपने religion को follow कर सकते हैं, but not in public, घर के बाहर या public में उसको show नहीं करेंगे। Women are subject to many public restrictions, women पे बहुत ज्यादा बेटा restrictions है, right? The testimony of one man is considered equal to two of men, तो दो women जो है वो एक woman के equivalent consider की जाती है, right? This is the true not just Saudi Arabia, there are many countries in the world where several of these कंडीशन एग्जिस्ट, कई कंट्री में यही कंडीशन है बेटा। सदरी पर मैं बात करें बेटा, वुमेन को वोटिंग राइट भी नहीं है, जो यहाँ दिया नहीं है वहां वोटिंग राइट भी नहीं वुमेन को। ओके, और राइट नाउ बेटा थर्ड ईयर गवर्नमेंट जो हम बात करते हैं इंडिया में, जैसे ना म्यूनसिपलिटीज और कमेटी और ब्लॉक वगैरह, उसमें कुछ वुमेन को राइट दिया बेटा। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जाम्पल में आते हैं, एथनिक मैसेकर्स इन कोसोवो। तो कोसोवो बेटा यूगोस्लाविया का एक पार्ट है, यहाँ यूगोस्लाविया की बात कर रहे हैं, जो छह सात कंट्री में डिवाइड है उससे पहले की बात है, उसका एक रीजन था कोसोवो। और युगोस्लाविया सभी को पता होगा बेटा, इटली के राइट साइड में है, इटली और हम कहते हैं ओटोमन के बीच में, ग्रीस के नॉर्थ में। ठीक है, इन दिस देखिए, यू माइट थिंक दैट दिस इज अ पॉसिबल इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की बट नॉट इन कंट्री विच चूज देयर रूलर्स। तो बेटा देखिए, सऊदी अरेबिया तो एक मोनार्की है, तो मान सकते हैं हाँ अपने सिटीजंस के अगेंस्ट एक राजा हो सकता है, बट हम बात कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री की जो लोगों ने इलेक्ट की थी, राइट। दिस वॉज ए प्रोविंसी ऑफ युगोस्लाविया बिफोर द स्प्लिट, स्प्लिट से यानी बटने से पहले, युगोस्लाविया का बंटवारा होने से पहले बेटा इसका एक स्टेट या प्रोविंसी था ये। एंड दिस प्रोविंसी द पॉपुलेशन वॉज ओवर विंगली एथनिक अल्बेनियन, तो इसकी पॉपुलेशन सारी क्या थी? एथनिक। एथनिक होता है बेटा कहीं ना कहीं उनका कस्टम्स के बेस पे, उनके परंपराओं के बेस पे एथनिक रूप से वो अल्बेनियन थे। बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब्स वर मेजोरिटी, बट फिर कंट्री में बात करें तो सब मेजोरिटी में थे। प्लीज को नोट कर लेना, यहाँ पे सर्ब्स है, ठीक है, ये मेजोरिटी में थे। ए नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट, यहाँ पे इनका बड़ा लीडर था मिलोसेविक, इसको मिलोसेविच बोलते हैं बेटा वहां के लैंग्वेज में, हैड वॉन द इलेक्शन, ये इलेक्शन जीत जाता है। और यहाँ बात की नैरो माइंडेड था, छोटी सोच का था बेटा ये, एंड हैड वॉन द इलेक्शन, हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल इन द कोसोवो अल्बेनियन। अब कोसोवो में अल्बेनियन का जीना उसने दुष्वर कर दिया बेटा, ठीक है, हॉस्टाइल बना लिया उन्हें, पीड़ा देने लगा। ही वॉन्टेड द सर्ब्स टू डोमिनेट द कंट्री, अब वो चाहता कि सर्ब डोमिनेट करें, सर्ब पूरे कंट्री पे कब्जा कर ले। मैनी सब लीडर थॉट द एथनिक माइनोरिटी लाइक अल्बेनियन शुड ईदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ सर्ब, या तो हमारी डोमिनेंस एक्सेप्ट करे या देश छोड़ दे, कौन? अल्बेनियंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ एक इंसिडेंट दिया है, दिस इज व्हाट हैपन एन अल्बेनियन फैमिली। अल्बेनियन फैमिली के साथ क्या हुआ कोसोवो में बेटा? अप्रैल 1999 का एग्जाम्पल है। 74 ईयर ओल्ड बटिशा हॉक्सा वॉज सिटिंग इन द किचन विद 77 ईयर ओल्ड हस्बैंड एज, तो यहाँ इसके हस्बैंड का नाम एड्स है और इसका बेटा बटिशा हॉक्सा है। ठीक है, एंड सीइंग वार्म बाय स्टॉप एंड दे हैड हियर्ड एक्सप्लोजन बट डिड नॉट रियलाइज दैट सर्बियन ट्रूप्स हैड ऑलरेडी एंटर्ड इन द टाउन, उनको पता था हमारे टाउन में, हमारे शहर में सर्बियन ट्रूप आ चुकी है, तो बाहर एक एक्सप्लोजन बड़ा धमाका हुआ, तब भी उन्होंने कोई रियलाइज या रिएक्ट नहीं किया। द नेक्स्ट थिंग द न्यू शी न्यू, सॉरी, सर्बियन ट्रूप्स आर ऑलरेडी एंटर्ड इन द टाउन, द नेक्स्ट थिंग शी न्यू 5 or 6 सोल्जर्स हैड बर्स्ट थ्रू द फ्रंट डोर एंड वर डिमांडिंग वेयर आर योर चिल्ड्रन, तो कुछ लोग बेटा सैनिक, 5-6 सैनिक उनके मेन डोर को तोड़ते हुए अंदर आए और आते उनका एक ही क्वेश्चन था, वेयर आर योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि वो अल्बेनियंस के बेटा पॉपुलेशन को खत्म कर रहे थे, ठीक है, मारना चाहते थे। दे शॉट एड्स 3 times इन चेस्ट, तो उन्होंने एज उसके हस्बैंड की चेस्ट में 3 गोलियां मारी। रिकॉल बटिशा विद हर हस्बैंड डाइंग बिफोर हर एंड द सोल्जर्स पुल्ड द वेडिंग रिंग ऑफ हर फिंगर एंड टोल्ड हर टू गेट आउट, उसकी वेडिंग रिंग, उसकी जो शादी की रिंग थी अंगूठी, वो निकाल ली और उसे कह दिया घर से भाग निकलने के लिए। ठीक है, सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट इन द रेन विद नो हाउस नो हस्बैंड नो पोजिशन, सॉरी इसके पहले एक और लाइन थी, आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड, वो घर से बाहर ही निकली, वैन दे बर्न द हाउस, उस घर को उन्होंने आग लगा दी।
स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट इन द रेन विद नो हाउस, ना उसके घर था और बेटा वो बारिश में गली में खड़ी थी, एंड नो हस्बैंड नो पोजिशन बट द क्लोज शी वॉज वेयरिंग, सिर्फ उसके पास वो कपड़े उसने पहने, ना उसके पास कोई छत थी, पोजिशन मीन्स कोई ऐसा एरिया नहीं था जहां वो जा सके, घर वर जो भी है, ना उसके हस्बैंड उसके पास थे। दिस न्यूज रिपोर्ट वॉज टिपिकली ऑन वट हैपन इन थाउजेंड ऑफ एल्बेनियन इन दिस पीरियड, तो यूगोस्लाविया में जब सर्ब्स की मेजोरिटी आई बेटा, सर्ब्स की गवर्नमेंट बनी, तो एल्बेनियन के साथ हजारों एल्बेनियन के साथ बेटा ऐसा ही हुआ। चलिए लास्ट पैरा में आते हैं, रिमेंबर दैट दिस मैस्कस वॉज बींग कैरियड आउट द आर्मी देयर ओन कंट्री, ये पॉइंट नोट करना है बेटा कि देखिए पहला कंट्री हमने पढ़ा यूएस, जैसे दूसरे कंट्रीज के लोगों को राइट नहीं दिया। सेकंड एग्जांपल सऊदी अरेबिया पढ़ा जहां पे मोनार्क था बेटा, चलो मानते मोनार्क अपने देश के लोगों को राइट नहीं दे सकता है या उनका शोषण करता हो, बट जो कोसोवो का एग्जांपल पढ़ रहे हैं तो यहां पे बेटा इन्हीं की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इन्हीं की खुद की आर्मी थी, देयर ओन कंट्री उन्हीं के देश की आर्मी थी, वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ लीडर हु केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और उस लीडर का कहना मानी थी आर्मी जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन से आया था बेटा जीतकर। दिस वॉज, हो सकता है सभी एल्बेनियन से भी उनको वोट दिया हो। दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंस ऑफ किलिंग बेसिक बेस ऑन एथनिक प्रोसेस इन रिसेंट टाइम, तो रिसेंट टाइम में बेटा इससे पहले नाजी का हुआ था बेटा, ज्यूज का, उसके बाद बड़ी स्केल पे जो मैस्कस हुआ था एथनिक ग्रुप पे, वो बेटा का समय हुआ। ठीक है, फाइनली सेवरल अदर कंट्रीज इंटरवेन, इसके बाद बेटा यूरोप के बहुत से कंट्री इंटरवेन किया इस चीज को रोकने के लिए, स्टॉप दिस मैस्कस, एंड मिलोसेविक लॉस पावर, इसके बाद मिलोसेविक की गवर्नमेंट गिर जाती है बेटा, he lost his power and was tried by international court of justice, तो international जो court of justice है crime against humanity उसको सजा मिलती है। ठीक है, international court of justice की बात करें बेटा नीदरलैंड में, यहाँ साइड में नोट भी है देखिए, नीदरलैंड वहां उसकी सिटी है बेटा द हेग, उसमें बेटा है। ठीक है, सो यहाँ बेटा ये टॉपिक और होता है, आपके नीचे कुछ डाउट्स है इनको देख लेना। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज राइट इन अ डेमोक्रेसी। थैंक यू बेटा।